ऑल राइट, सो हे गाइज, व्हाट्सअप है, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग मेरे सामने देख रहे हो, न्यू अपाची RR 310 BS6, और भाई ने ग्राफिक्स भी एक कड़क करा के रखी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि न्यू वाली अपाची RR 310 मेरे वाले से क्यों ज़्यादा बेटर है, ऐसे क्या चीज़ें इसमें जो BS4 से BS6 को बेटर बनाता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते। सबसे पहले तो इसका डिस्प्ले, वाह, ये जो डिस्प्ले जो है ना भाई, एक नंबर दिया है इसमें। मतलब काश ये डिस्प्ले हम लोग को मिल सकता। वाह, एग्जॉस्ट में भी डिफरेंस है। इसका एग्जॉस्ट थोड़ा बेसी लग रहा है मेरे को, मेरे एज़ कम्पेयर टू BS4। और पता नहीं मेरे को ये बाइक क्यों लाइट वेट लग रही है थोड़ी मेरे वाली से। सो चलो देखते हैं अभी क्या क्या डिफरेंस है और ऐसी कौन सी बातें हैं जो BS6 को BS4 से बेटर बनाती है। तो सबसे पहले है डिस्प्ले, जो आप लोगों ने देखा, क्योंकि पूरा चेंज हो गया है, पूरा ऐसे लगता है एक फ़ोन ही लगा दिया है। अभी पूरा इन्फॉर्मेशन इधर मिलता है हम लोगों को। और डिस्प्ले में बात करूँ तो गियर शिफ्टिंग भी देखो कितना प्रॉपर मस्त दिखता है, मतलब एनिमेशन बहुत अच्छा दिख रहा है इसमें। और टोटल रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा किया गया है इसमें, क्योंकि राइड बाय वायर है, इसमें मोड्स दिए गए, तो ऑब्वियसली अभी मैकेनिकल चीज़ें इसमें ज़्यादा दी गई है एज़ कम्पेयर टू BS4, तो उसके डिफरेंस तो होने ही है। बाकी भाई साहब इसकी बात ही कुछ अलग लग रही है यार, TFT डिस्प्ले जो है ना क्लास लग रहा है। पावर में कोई कट ऑफ नहीं है, कोई कट ऑफ नहीं है पावर में। मेरे को ऐसे लगा था कि BS6 आ जाएगा तो शायद थोड़ा इंजन रिफाइनमेंट के चक्कर में पावर कम हो जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है, पावर भी सेम ही है, मेरे को तो कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा। बट हाँ, कंपनी ने बताया था कि थोड़ा सा पावर ड्रॉप है इसमें, बट लग रहा तो नहीं है। और कुछ बात करूँ इसके बारे में तो BS6 में टायर चेंज हो गए, जो BS4 में थे उससे बेटर वाले टायर अभी BS6 में आते, और वो टायर हमें अच्छे खासे ग्रिप प्रोवाइड करते, तो ये एक अच्छी बात BS6 में आ गई। वाह, परफेक्ट पावर है यार, मतलब बोलते ना एक नंबर पावर है, एक नंबर। बाकी इसमें अभी मोड्स आते हैं जो हम लोगों सबका अर्बन रेन, बाद में रेस मोड, अभी ये रेस मोड पे ही है। तो वो रेस मोड आप सभी को पता होगा कि 1000, मतलब फर्स्ट सर्विसिंग के बाद रेस मोड ओपन होता है, तब तक हम लोग कर नहीं सकते। इसमें ऑलरेडी 8 किलोमीटर्स हो चुके हैं, तो इसमें रेस मोड ऑन है, इसके लिए टोटल रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बाकी यार बाइक तो एक नंबर है, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि काश अगर कोई TVS ऐसा कुछ ऑफर दे हम लोग को कि हम अपने BS4 को BS6 में अपडेट करा सके, या नहीं कुछ तो एटलीस्ट ये जो TFT डिस्प्ले यही लगा सके, क्योंकि ये जो एक लुक दे रहा है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। बहुत अच्छा काम किया TVS ने इस बाइक में, पूरी भर दी मैकेनिकल से, तो टेक्निकल चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई ना इसमें कि बस। और हैंडलिंग के लिए एकदम, मेरे को पता नहीं यार ये बाइक मेरे को बहुत ज़्यादा लाइट वेट लग रही है, पता नहीं क्यों, मतलब हमारी जो फ्यूरी है, जो BS4 है, उसके कंपेयर टू ये बाइक मेरे को बहुत ज़्यादा लाइट वेट लग रही है। वाओ मैन वाओ, इसका एग्जॉस्ट भी इतना सही लग रहा है ना, मतलब फुल बेसी आवाज आ रहा है इसमें। क्या ही बात करूँ यार, मेरे को तो मतलब बोलते ना
लिटरली मेरे को पसंद आ गई है बाइक, मतलब जो पहले की थी ना उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है ये बाइक में, बहुत ज़्यादा। ब्रेकिंग भी क्लास है, मतलब ब्रेकिंग में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे मैं पहले भी बताया था क्या RR310 में मेरे को एक चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है वो है ब्रेकिंग, और BS6 में भी वो बात मैं बोलूँगा कि ब्रेकिंग में कोई चेंजेस नहीं है। स्पोर्ट्स मोड में इतना ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स दे रही है ना बाइक, एकदम मतलब बोलते ना क्या, बस भाई थोड़ा थ्रॉटल खोलो और बाइक एकदम रेडी। बाकी ग्राफिक्स की बात तो मैं आपको एक बार रुक के बाइक एकदम 360 व्यू दे देता हूँ कि भाई ने ग्राफिक्स एक नंबर की है। मतलब जो लिमिटेड एडिशन आती है RR310 में, स्पोर्ट्स एडिशन, जो बहुत कम लोगों को पता होगी क्या एक स्पोर्ट्स एडिशन भी आती है बाइक, तो पूरा वैसी दिखती है बाइक। मैं एक बार रुक के आप लोगों को एक 360 दे देता हूँ बाइक का। तो सामने से लोगों देखो यार, वेनम, प्रॉपर वेनम लग रही है बाइक। बाकी ये देखो ग्राफिक्स तो देखो क्या एक नंबर की है भाई ने। ये सेम ग्राफिक्स स्पोर्ट्स एडिशन में आती है, तो बहुत कम लोगों को ये पता होगा। एक बार मैं आपको इसका एग्जॉस्ट दिखा देता हूँ, मतलब बेस ही आवाज़ है एकदम, जो पहले एक अलग सा आवाज़ आता था ना 310 का, मतलब सबका एक ही कंप्लेंट था कि भाई 310 का एग्जॉस्ट इतना खास नहीं है, बट वो भी इसमें इम्प्रूव किया गया है। टायर्स इम्प्रूव किए गए, अभी ये टायर्स बहुत ज़्यादा ग्रिप प्रोवाइड करते हैं पहले के कंपेयर टू। हाँ क्या ही बात करूँ यार, एक बार फिर से बाइक को थोड़ा भगा के देखते, क्योंकि ये बाइक में भगाने में अलग ही फील आ रहा है मेरे को, तो एक बार फिर से भगा के देखते हम लोग। इसमें मोड्स देख लेते, राइडिंग मोड्स, अर्बन, अभी हम लोग इसको करेंगे स्पोर्ट्स पे। चलो ट्रैक पे करके देखते हैं। वाह तुरंत चेंज, चलो अभी देखते कितना क्विक ये करती है। शिट मैन, मतलब लिटरली क्या गाड़ी क्विक रिस्पॉन्स कर रही थी, मजा आ गया यार। काश ये ट्रैक बोर्ड हमको होता मतलब इतना फटाफट पिकअप ले रही थी ना बाइक, नेक्स्ट लेवल यार, नेक्स्ट लेवल। थम्स अप TVS, इस काम के लिए तो पक्का थम्स अप है आप लोगों को, क्योंकि बहुत सही इंप्रूवमेंट किया आप लोगों ने। शिट मैन, अब मेरे को भी लग रहा है कि भाई BS6 BS4 को टफ दे सकती है, तो क्या बोलते हो एक ड्रैग रेस हो जाए इसके ऊपर। अगर आप लोगों को ड्रैग रेस चाहिए BS6 वर्सेस BS4 की, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं इस पर डेफिनेटली एक ड्रैग रेस लेके ही आऊँगा, क्योंकि मेरे को भी अभी एक्साइटमेंट हो रही है कि भाई दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा पावरफुल है। वाह एग्जॉस्ट देखो, नाइस नाइस, ब्रेकिंग भी कमाल की है यार, मतलब स्पोर्ट्स मोड पे भी जरा भी कुछ ऐसा लग रहा नहीं कि ब्रेकिंग कम है।
एक नंबर ब्रेकिंग। लिटरली यार मैं तो पूरा बोलते ना शिट यार क्यों मैंने वेट नहीं किया BS6 नहीं लिया, क्योंकि BS6 भाई साहब बहुत सही है, बहुत सही। मतलब लिटरली मैं प्यार हो गया मेरे को ये बाइक से। सो आज का ये ब्लॉग को एंड करते। आई होप आप लोगों को ये बाइक परफेक्ट लगी होगी, मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई ये बाइक। और थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि भाई मैंने BS6 के लिए वेट क्यों नहीं किया, बट हेड्स ऑफ यार, हेड्स ऑफ, एक नंबर बाइक बनाई है। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और BS6 RR 310 आप लोगों को कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों को ये बाइक अच्छी लगी होगी। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, अपने दोस्त है दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करो। और बस आज के लिए इतना ही, टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।